इधर की साइड पर ताज होटल है और इधर की साइड पे पूरा ये लियोपोल्ड कैफे है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब फायरिंग हुई थी ना तो गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली में भी सब कुशल मंगल होंगे। तो आज सैटरडे का दिन है, तो अब हम आज जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने की जगह जो होगी वो होगी सरप्राइज, ठीक है? तो आप सबके लिए सरप्राइज है। तो मुंबई के अंदर हम चले घूमने, हमारी मंडली बस नहीं मिल रही है, इतनी देर से खड़े हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी किल्लत यही है कि बस नहीं मिलती ना ऑटो मिलता जल्दी से। बस स्टैंड के ऊपर खड़े खड़े इतना टाइम हो गया। देखो स्टैंड पे सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ता है आपको बसों के लिए और थ्री व्हीलर्स के लिए। भले आपको ये सारी चीज़ें जो है जल्दी से ना मिले, बट लेकिन जब मिलेगी तो डायरेक्ट ही मिलेगी। अभी जैसे अंधेरी की जो हमें बस मिली है, अंधेरी के लोकल ट्रेन अंधेरी रेलवे स्टेशन जाएंगे और उसके बाद में हम वहाँ से निकलेंगे के लिए डायरेक्ट बस। भीड़ पूरी फुल है, जगह नहीं है बैठने के लिए। आपको जाना हो ना तो बस में कभी सफर मत करो भाई, पहले बता रहा हूँ। अरे लेकिन करना यार तो बस में जाना, अरे सही बता रहा हूँ, कहीं पे भी जाना बस यूज मत करो यार। बस यार आपको एक घंटे के अंदर पहुंचाएगी, अगर आप जो है शाम के टाइम पे या सुबह मॉर्निंग के अंदर निकल रहे हो 10-11 बजे के आसपास। यार बड़ी दिक्कत है, इससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप जो है मेट्रो यूज़ कर सकते हो और लोकल ट्रेन यूज़ कर सकते हो। मेट्रो से आप लोकल ट्रेन यूज़ करो तो ज़्यादा आसानी रहेगी। चलो भाई अंधेरी आ गया, अंधेरी मुंबई मेट्रो लोकल रेलवे स्टेशन लोकल ट्रेन। तो यहाँ से सीधा कनेक्शन इधर है तो ये बेस्ट था भाई। मेट्रो से अगर आते ना तो मेट्रो से सबसे ज़्यादा इजी भी पड़ता। किसी भी लोकल रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाते हैं तो दो चीज़ों का आप ध्यान रखें। पहला क्या है कि आपको जो है फास्ट और स्लो का कैसे पता लगेगा, आपको यहाँ पे ना दिखाई नहीं देगा, बट लेकिन है ना क्या होता है कि जहाँ पे आपको ट्रेन का नाम लिखा होता है ना, चर्च गेट जाना होता है तो सी लिखा होता है, उसके आगे क्या लिखा होता है, अगर एस लिखा हुआ है तो स्लो और अगर एफ लिखा हुआ है तो फास्ट। तो फास्ट वाली में क्या फ़ायदा रहता है कि वो कुछ कुछ जगह पर रुकती है, और जो स्लो वाली हर जगह पर रुकती है। ये जैसे ये स्लो है, ये स्लो वाली है, और इधर की साइड में फास्ट वाली है। हाँ हर स्टेशन पर रुकेगी स्लो वाली। तो स्लो और फास्ट का मुझे भी अभी पता लगा, मैंने आपको बताया, आप भी आगे शेयर करें, आगे तीन लोगों को बताएं, उनसे बोले वो तीन लोगों को बताएं। भीड़ देख लो, भीड़ फास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि फास्ट जो है वो कुछ ही स्टेशन पर रुकती है, जो स्लो है वो हर स्टेशन पर रुकती हुई जाएगी। तो अभी फास्ट वाले इतना मैं लोकल में बैठे हुए हैं तो जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। चर्च गेट उतरना ना भाई, चर्च गेट आप उतरेंगे और उसके बाद में बीच पे चलेंगे। गेट पहुंच गया फाइनली और अब यहां से जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये फास्ट वाली के अंदर आए हम, फास्ट और स्लो। फास्ट में आप जल्दी पहुंचोगे, 4-5 स्टेशन ही पड़ेंगे, स्लो के अंदर हर जगह पर रुकेगी। तो मिलते हैं यहां से और जो जाएगी सीधा ये है हेड ऑफिस, रेलवे हेड ऑफिस। ये है रेलवे हेड ऑफिस, देख रहे हो गेटवे ऑफ इंडिया। टैक्सी में बैठ चुके हैं, अब सीधा जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। वहाँ पे
फर्स्ट टाइम जा रहे? मैं लगभग 2008 के अंदर आया था मैं यहाँ पे। ये है होटल ताज, है? सामने से दिखेगा। ये ताज की बिल्डिंग है, देखो ये रहा होटल ताज। यही वो होटल है जिसको पर 2611 पे अटैक हुआ था। होटल ताज मुंबई, होटल ताज मुंबई। ये इधर की साइड पर ताज होटल है और इधर की साइड पे पूरा समुद्र है पीछे की साइड पर, और वो रहा गेटवे ऑफ इंडिया। ये है गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे। और ये पूरा मरीन ड्राइव। सो ये होटल ताज और अब हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया बिल्कुल मेरे जस्ट सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से रास्ता है पूरा और यहाँ से हम सीधा जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। तो जैसे दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है, तो वैसे मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है। ये है पूरे गेटवे ऑफ इंडिया, पहुँच गए जैसे दिल्ली के अंदर। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, पास से जाके देखते हैं। ओह होय, यहाँ से दिख रहा है होटल ताज पूरा बिल्कुल। ये होटल ताज है और ये गेटवे ऑफ इंडिया है। क्या बात है, क्या बात है। होटल ताज देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, भाई साहब बहुत बढ़िया। और ये है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री। तो देखो दोनों लैंग्वेज में, आपके हिंदी में भी लिखी हुई है, ठीक है। आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, और ये है इंग्लिश के अंदर। और ये सामने गेटवे ऑफ इंडिया। मेरे को ये सबसे ज्यादा बढ़िया हुआ, वाह ताज, क्या बात है। ताज और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों बराबर पे हैं और आमने सामने, और उसके साथ में बिल्कुल उसके सामने जो है जो समुद्र है मरीन ड्राइव का। तो मैं आपको एक बार पास से दिखाता हूँ अगर समुद्र अगर दिख जाए तो। सो मेरे पीछे जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया और सामने जो है वो है ताज होटल, और ये आ गया मरीन ड्राइव का समुद्र। मैं आपको ये इधर की साइड हो रहा, ये होटल ताज, ये समुद्र है, और ये गेटवे ऑफ इंडिया। सबसे अनोखी चीज़ देखो होटल ताज की, होटल ताज के बराबर में होटल ताज की एक और बिल्डिंग है जिसका कलर हर बार हर 2 मिनट के अंदर चेंज होता रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वो बिल्डिंग है, अभी देखो इसको पढ़ा ना, देखो लिखा हुआ जाए, देखो एकदम चेंज होगी। देखो होटल ताज लिखा है, देखो ताज, ये ताज होटल है। और ये गेटवे ऑफ इंडिया। ये जस्ट है ना गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट पास में है, उसके गेटवे ऑफ इंडिया से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे ही है। तो ये पूरी की पूरी आपकी मार्केट है। तो एक तरीके का मॉल रोड है, दिखाता हूँ। Thank you.
वीडियो के लिए बहुत अच्छा हो रहेगा वो मटेरियल। ये लियोपोल्ड कैफे है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब फायरिंग हुई थी ना, तो फायरिंग के अंदर यहाँ पे जितने भी अंदर लोग बैठे हुए थे सबको जान से मार दिया गया था। यहाँ ये यही है, और ये बिल्कुल जस्ट ताज होटल से 500 मीटर की दूरी पे ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से फिर ये राइट गए थे, और राइट जाके फिर ये देखो, ये रहा होटल ताज। तो 26/11 का जब हमला हुआ था उसके अंदर, यहीं से वो जो टेररिस्ट थे इधर से गए थे। ये है वो, यहाँ से हमें जो है टिकट लेनी होती है, बुकिंग होती है यहाँ से टेबल की। सो वी नीड टू बुक द टेबल फॉर द कैफे, देन आफ्टर यू कैन विजिट ओवर देयर। और दिस इज द मार्केट जो जस्ट होटल लियोपोल्ड के बराबर में है। सो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब यहाँ से हम जो है अपने पीजी वापस आएंगे, और मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग के अंदर। तो दो चीज़ें आपको हमेशा बोलता हूँ जो आपको करनी है, पहली लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, दूसरी शेयर करना ना भूलें। तो जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो और बहुत सारी जगह जो है हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, दिखा पाएंगे, और मुंबई के अंदर क्या क्या चीज़ें कितनी सस्ती है, कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हर चीज़ की डिटेल आपके पास में होगी। तो हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।